ओम शांति। आज है 27 अगस्त 2022 की साकार मधुर मुरली। आज की मुरली के सार में बाबा ने आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने की विधि बताई कि बच्चे विकारों की पीड़ा से छूटना चाहते हैं तो 7 रोज भट्टी में बैठो। बाबा तुमको युक्ति बतलाते हैं, एक बाप को याद करना है जिससे तुम्हारी सब पीड़ाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। फिर यज्ञ की स्मृति दिलाते हुए कहा कि यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है, अर्थात यह शरीर रूपी रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है, अर्थात देह के भान को संपूर्ण रूप से भुलाना है। बाकी जाकर आत्मा रहती है, सबके शरीर इसमें स्वाहा होने हैं। और आज बाबा ने याद और पुरुषार्थ का टेम्परेचर देखने के लिए कहा कि बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे तो अपना टेम्परेचर देखना होता है कि जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। फिर कहा, बाप कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा, और सावधान करते हुए कहा कि आजकल मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है, पंचायती राज्य है ना, इसलिए बहुत संभाल करनी है। सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, साल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। फिर बाबा ने विशेष सेवा करने के लिए कहा कि गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है, उन्हों को जब तुम उठाओ तब ही तुम्हारा नाम बाला होगा। यह आवाज दिल्ली से निकलना चाहिए, वहां से जट नाम बाला होगा। और आज बाबा ने गुल बकावली की कहानी याद दिलाई। गुल बकावली एक फूल का नाम होता है और उस फूल की विशेषता होती है जिसको आंखों पर लगाने से रोशनी आ जाती है, अर्थात ज्ञान के नेत्र मिल जाते हैं। लेकिन उस फूल को पाने के लिए जो यात्रा होती है उस यात्रा में माया बिल्ली रूपी रुकावटें डालती है, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को उस पर जीत पानी है और संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो, तुम हो हीरो पार्टधारी, तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का फरमान है पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाए कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वाले को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरम अपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारे बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो यह बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे, हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। यह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर न सके, अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है वह अपने से ज्ञान की बातें कर नहीं सकते, अपने से तुमको बात करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली है, बाप ने कितना जागृत किया है, यह बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है यह जानते हैं, इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यह फिर है बेहद की बात,
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ चलता है, अर्थात सृष्टि पर ही उनका पार्ट चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, यह पद पाना है। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। उनको निराकार ही समझते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत का सारा देखेंगे, और बुद्धि में रहेगा हमने यह यह देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं, वह तो हुआ हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। बाबा एग्जाम्पल देकर क्लियर कर रहे हैं कि जैसे वह नाटक है वैसे यह बेहद का नाटक है। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक भूल जाएंगे, फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। सात रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु सात रोज बैठने में बड़ा मुश्किल है, सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, पांच विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं। अब उनसे तुम पीड़ित हो, तुमको युक्ति बतलाते हैं कि कैसे उस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं सात दिन की ऐसी पावरफुल योग भट्टी में बैठेंगे तो सब पुराने स्वभाव, संस्कार, आदतें सब मिट जाएंगी और आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाएंगी। सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहां है, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। यह सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं, जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेघ, अर्थात इस शरीर रूपी रथ को इस यज्ञ में स्वाहा करना है, अर्थात दिल से लगन से इस शरीर द्वारा खूब सर्विस करनी है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं, सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के पहले सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे, सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, अर्थात सेवा करते करते इतना शरीर से न्यारा हो जाए जो देह का भान ही न रहे। इसलिए बाबा कहते हैं अंत में सिर्फ आत्मा रह जाएगी, शरीर यहाँ छोड़ देंगे, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ देवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं है, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं, वह तो है कुख वंशावली। यह सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो वापस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी सात रोज देते नहीं हैं, तो समझा जाता है यह अपने घर का अनन्य नहीं है। अनन्य होगा तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई पांच आठ पंद्रह दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है, राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबर वार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे।
पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पार्टधारी हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्कर लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, देवता धर्म भी बड़ा है, यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा के ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हैं। यह वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं, अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अक्सर करके विष्णु के विराट रूप में इन वर्णों को दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वह दिखाते नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, एक जैसा जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे, यह भी हिसाब है, इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना, पहली पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों की तरफ ही जाएंगी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएंगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना है, अर्थात पुरुषार्थ का लेवल देखना है, कितना ऊंचा जाता है। जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है माया से युद्ध, माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब शिव बाबा राजी होगा। कितनी अबलाए बाप की याद में सच्चे दिल से रहती है, प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में कितने विघ्न डालते हैं, बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है, पंचायती राज्य है ना। फिर सतयुग में होता है 100% रिलीजियस राइटियस लॉफुल साल्वेंट DT गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को अभी मेहनत करनी है, चित्र भी बहुत बनते रहते हैं, इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। यह बहुत समझने और समझाने की बातें हैं, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फर्क है, यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था अब क्या है, अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर, महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे, गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है, उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है, दिल्ली से आवाज निकलना चाहिए, वहाँ जट नाम होगा, परंतु अजून देरी दिखाई देती है। अब लाओ गणिकाओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे
तब नाम बाला होगा। बाप कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी तो सतो तक आना है। बाबा बच्चों के पुरुषार्थ की स्थिति बता रहे हैं कि अभी तक बच्चों की स्थिति रजो तक आई है, लेकिन सतो से सतो प्रधान तक जाना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ, तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई न कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना, बच्चे खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं, कई प्रश्न पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है। बाबा कहते, अरे तुम साक्षी होकर देखो, ड्रामा में जो नोंद है सो पार्ट चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, अर्थात ड्रामा के ज्ञान में निश्चय नहीं होता है तो संशय बुद्धि बन जाते हैं। जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नोंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है, यह क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? यह सब ड्रामा का खेल समझने का है, इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं, कोई भी हालत में। बाबा कहते हैं कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो पावन बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे, बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं होंगे। तुम अब अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी की पवित्रता जो बाबा की श्रीमत पर धारण करते हैं उसमें इतनी शक्ति रहती है जो 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते, अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। यह अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप समान बनाना है, तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, सच्चे दिल से बाप को याद करना है, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है, अर्थात अपनी स्थिति का लेवल देखना है कि हमारी स्थिति कहाँ तक पहुँची है। आज बाबा ने वरदान दिया, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। स्पष्टीकरण है, जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है, उसकी एक इच्छा पूरी होंगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। और आज का स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मोड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मोड ऑफ हो नहीं सकती। ओम शांति।